हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में जो कि 68वीं बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों के लिए, रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है हम आपको 50 क्वेश्चन करके दे रहे हैं। और ये सीरीज नंबर 62 है। 62 के पहले का सीरीज अगर आपको देखना है, सोल्यूशन अगर देखना है, या पीडीएफ के रूप में भी अगर आपको इसका सोल्यूशन देखना है, पीडीएफ प्राप्त करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ का आनंद ले सकते हैं और वहां भी आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर ऐसा आपको लगता है कि यह वीडियो आपके आगामी भविष्य के लिए, जो भी कंपटीशन का एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऐसा लगता है कि हम आपको अच्छी चीज सिखा रहे हैं तो आप इसे शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी इसका लाभ मिल सके। और हमें लाइक करके आप हमें अपना पारितोषित कर सकते हैं, क्योंकि आपका लाइक ही हमें यह उत्तेजना भरता है कि हम आपके लिए और नए नए कंटेंट को और ऐसे कंटेंट को जोड़े जो आपके एग्जाम को नजदीक ले जा सके, आपके एग्जाम क्लियर करने में और हेल्पफुल महसूस हो सके, ऐसे कंटेंट को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपका लाइक हमारे साथ रहता है तो हमें मन से उत्तेजना आता है कि हम आपके लिए और कंटेंट तैयार करें। तो आप निश्चित तौर पर लाइक किया कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और अगर कुछ कमी रह जाता है तो आप हमें सुझाव हमारे मैसेज में करके आराम से कर सकते हैं। आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि किस तरीका का बदलाव हम इसमें करें ताकि आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हो सके। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है? वैसे तो ऑप्शन में दिया हुआ है, सभी खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार के बारे में चर्चा किया है, लेकिन विशेषता है कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1985 ईस्वी में ध्यानचंद में लिख दिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1985 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए की राशि इस द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। वर्तमान समय में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं रह के अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो 6 अगस्त, कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछता है, 6 अगस्त 2021 को इस खेल का नाम बदल दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बदल दिया गया। वर्तमान समय में पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी में है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 ईस्वी में। वर्तमान समय में इस खेल के तहत दिया जाने वाला पुरस्कार राशि जो है वो 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में है ध्यानचंद पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में किया गया था तथा यह खेल के जीवन भर के उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसके तहत पुरस्कार राशि के रूप में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है विजेता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रिंसिपिया पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो आइजक न्यूटन जो है वो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन के गति के तीनों नियम की चर्चा जो किया गया है वो प्रिंसिपिया में, तो इसका संबंध गति के नियम से संबंधित है। अब ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपिया का प्रकाशन 1687 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल के खेल से है। फेडरेशन कप की शुरुआत 1977 ईस्वी में फुटबॉल के क्षेत्र में किया गया था, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल के क्षेत्र में अन्य जो शब्दावली है, अन्य जो कप है वो ध्यान रखेंगे, तो डीसीएम ट्रॉफी है, डुरंड कप है, रोबर्स कप है, बीसी रॉय ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो मुखर्जी कप है और मर्डेका कप संबंधित है फुटबॉल से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर की अगर बात करेंगे
तो विश्व विकलांगता उन्मूलन दिवस, विश्व विकलांगता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 4 दिसंबर की अगर बात करें तो नौसेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस के रूप में 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसकी बनी हुई होती है जिसके कारण से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है? तो वे बहुलक की बनी हुई होती है, एथिलीन के बहुलक से पॉलीथीन बनाया जाता है। यानी कभी कभी क्वेश्चन बहुतों बार ये पूछता है पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो एथिलीन का बहुलक होता है। और यह एथिलीन के बहुलक के बने होने से, अब केवल एथिलीन के बहुलक नहीं बल्कि बहुलक के बने होने के कारण इसे नष्ट नहीं किया नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पॉलीमर यानी बहुलक का बना हुआ होता है। किसका बहुलक का? तो एथिलीन, एथिलीन यानी C2H4 का बना, बहुलक का बना हुआ होता है जिसके कारण से इसे नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आपस में इसके अणु इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय ही नहीं हो पाता है, विनाश ही, नष्ट ही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था। जबकि ध्यान रखेंगे इसमें संशोधन कब किया गया, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम में संशोधन जो हुआ यह भी ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसमें संशोधन जो है वो 1988 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त होता है? आइसोकोर, जिसे हिंदी में कहेंगे हिम तत्व, हिंदी में इसे हिम तत्व की संज्ञा दी गई है। तो आइस कोर जो होता है वह किसी भी ग्लेशियर, जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, या बर्फ की चादर में छेद करके प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है जिसे आइस कोर कहा जाता है। कोर का मतलब छिद्र, मिड पॉइंट, कोर का मतलब मिड पॉइंट जिसमें छिद्र किया गया है। तो चादर में छेद करके, बर्फ का चादर जो बना हुआ होता है या बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं उसमें छिद्र करके एक बेलनाकार नमूना तैयार किया जाता है और इसी नमूना से जलवायु और वातावरण की जांच करने का प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसे हिम तत्व कहेंगे या आइस कोर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसमें सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 को हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 हुआ था, संबंधित है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो हुआ था 1997 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 1997 ईस्वी में। जबकि कार्बन व्यापार जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। पहली बात देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है, ओजोन परत संरक्षण, ध्यान देंगे, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, जिस कारण से इसका नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। लेकिन यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 ईस्वी को यह लागू हुआ था। अब कार्बन व्यापार के बारे में समझेंगे कि कार्बन व्यापार में हुआ क्या था। तो कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जापान के क्योटो शहर में, जिस कारण से कार्बन व्यापार से संबंधित सम्मेलन को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अब समझेंगे कि यह क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो हुआ था 1997 ईस्वी में हुआ था, जबकि यह लागू कब हुआ? तो इसे लागू 2005 में किया गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तो आपका आंसर इसमें जो बनता है वो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब ध्यान देंगे, सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर कहलाता है? बिल्कुल नहीं, सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर नहीं कहलाता है, बल्कि इसे कृत्रिम वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का मिलान कृत्रिम वर्षा के रूप में करिएगा, जबकि हॉर्न सिल्वर जो होता है वह होता है सिल्वर क्लोराइड, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इधर से इधर मैच हो जाएगा, क्लियर? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, समझ गए? अब देखेंगे, हॉर्न सिल्वर जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl होता है हॉर्न सिल्वर, जबकि कृत्रिम वर्षा जो होता है वो AgI यानी सिल्वर आयोडाइड होता है, जबकि जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे के विष के रूप में जाना जाता है, यह सही सुमेलित है, जबकि जिंक सल्फाइड जो है यह भी गलत है, फिलोसफर बूल के रूप में जिंक ऑक्साइड को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे ZnO को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से होता है शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन, ध्यान रखेंगे शुष्क सेल एक प्राइमरी सेल का उदाहरण होता है, प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है, प्राथमिक बैटरी का उदाहरण होता है। शुष्क सेल में एनोड जो होता है, एनोड की बात करें शुष्क सेल में, तो कार्बन की छड़ का प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है शुष्क सेल में, जबकि अगर कैथोड की बात करेंगे तो जिंक की छड़ ZN का प्रयोग किया जाता है कैथोड के रूप में शुष्क सेल में, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से द्वीप्त हो जाता है? तो अंधेरे में जो द्वीप्त होता है वो मंद ऑक्सीकरण के कारण ऐसा संभव हो पाता है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिया हुआ है, समझेंगे? श्वेत फास्फोरस क्योंकि अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण से वायु के ऑक्सीजन के साथ यह मंद गति से अभिक्रिया कर जाता है और यह द्वीप्त हो जाता है यानी जल उठता है, अतः इस प्रक्रिया को मंद दहन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे मंद ऑक्सीकरण या मंद दहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान होंगे? तो जिसके संयोजकता समान होगा उसका तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान होगा। NaCl में देखेंगे कि Na का संयोजकता की अगर बात करेंगे तो एक होगा, और Cl की संयोजकता की अगर बात करेंगे तो ये भी एक होता है, तो दोनों का संयोजकता एक है, अतः तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों ही NaCl का समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि आवेश कितना होता है। तो आवेश प्लस में होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव कण होता है, और वह पॉजिटिव प्लस 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, जबकि ध्यान दिया जाए प्रोटॉन का विपरीत कण होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव कण पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत प्रोटॉन का आवेश होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कितना होता है, तो ये होता है −1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो इसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव में है, अतः विपरीत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर कैसे पृथक किया जाएगा, किस विधि के द्वारा पृथक किया जाएगा? तो इसे ऊर्ध्वपातन यानी सबलीमेशन प्रोसेस के द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बी स्थापित करेगी? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सा धातु है जो हाइड्रोजन गैस बी स्थापित कर देगी अम्ल के साथ अगर प्रतिक्रिया हम कराते हैं तो, क्वेश्चन का मतलब यही है। अब समझेंगे कि हाइड्रोजन का अभिक्रियाशीलता के आधार पर अगर सभी तत्वों को हम सजाते हैं तो हाइड्रोजन से ऊपर जिसकी अभिक्रियाशीलता है
वो निश्चित तौर पर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त कर देगा। हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो ऊपर क्रम में है धातु, वह जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्लियर? अब ध्यान देंगे, अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम लोग सजाते हैं। कई बार ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताए हैं कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब जब ऐसा बात कहा गया है काशीनाथ के माली के बारे में, तो आप याद रखिएगा, काशीनाथ कहता है कौन है जी आगे आओ, यानी ऐसा कौन कहता है आगे आओ। अब काशी से याद रखेंगे के पोटेशियम, नाथ से याद रखेंगे Na सोडियम, का से याद रखेंगे कैल्शियम, माली से याद रखेंगे Mg मैग्नीशियम, और आलू से याद रखेंगे Al, जरा से याद रखेंगे Zn, फीका से याद रखेंगे Fe, और पकाता से याद रखेंगे Pb, और है से याद रखेंगे हाइड्रोजन को, जबकि कौन से याद रखेंगे Cu यानी कॉपर को, और है जी से याद रखेंगे Hg यानी पारा को, आगे से याद रखेंगे Ag, और आओ से याद रखेंगे Au। अब हाइड्रोजन से अधिक जिसकी अभिक्रियाशीलता है वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो निश्चित तौर पर हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर कौन सा है और आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है मैग्नीशियम। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा है, मैग्नीशियम यहां पे दिया हुआ है। इसके अलावा तो ना तो आपको पोटेशियम है, ना तो सोडियम है, ना कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और Pb भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया है। सन 2000 ईस्वी से अंत्योदय अन्न योजना को लागू किया गया है, दिसंबर 2000 ईस्वी से लागू किया गया है। यह अंत्योदय अन्न योजना है क्या, तो BPL जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, प्रत्येक राज्य में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके तहत BPL परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों को इसके तहत, इस अंत्योदय अन्य योजना के तहत शामिल किया गया है, और उस गरीब परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यही अंत्योदय अन्य योजना का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से संबंधित है, तो वो है YB रेड्डी समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तनीयता के अवधारणा से संबंधित है। अब यह लागू कब हुआ था, ध्यान देंगे 1998 ईस्वी में RBI के तत्कालीन गवर्नर उस समय YB रेड्डी थे, उन्हीं के द्वारा यह अवधारणा को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया। सबसे पहली बात, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे ईरडा कहा जाता है, इसका पूरा रूप होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस ईरडा की स्थापना की बात किया जाए तो 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है, और यह किस समिति, तो RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश के आधार पर ईरडा की स्थापना अप्रैल 1993 से 94 ईस्वी में इसकी सिफारिश की गई थी। लेकिन उसकी स्थापना ईरडा की 1999 ईस्वी में हुई RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश के आधार पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापोर समिति का संबंध किससे है, तो तारापोर समिति का संबंध मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है। यह जो है 1997-98 के बजट में पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता बनाने के लिए विचार करने के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कब इसका गठन हुआ था, 1997 से 1998 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया था 1997
97 से 1998 ईस्वी में इस समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था का संबंध एम्बेर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था, इसी से संबंधित है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वो होता है गर्भनाल। इस गर्भनाल के दो भाग होते हैं, ध्यान रखेंगे, और हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखेंगे। गर्भनाल के दो भाग होते हैं, एक होता है जरायु। अब जरायु को कहा जाता है कोरीन, कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, कोरीन। और दूसरा होता है, वह होता है अपरा, हिंदी भी पूछता और अंग्रेजी भी, प्लासेंटा। प्लासेंटा ये दोनों ही गर्भनाल के अंग होते हैं और दोनों ही माध्यम से भ्रूण को पोषण की प्राप्ति होती है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। अगर गर्भनाल दे दिया तो गर्भनाल याद रखेंगे, अगर आपको दे दिया जरायु या कोरीन और अपरा या प्लासेंटा, तो दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण सूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या दिया गया है? उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। गुण सूत्र का मतलब क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम में जो क्रोमैटिड्स होते हैं और क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। इस सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? तो गुणसूत्र के आकार को निश्चित करने का काम करता है, फिक्स करने का काम करता है सेंट्रोमियर ही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषवाह यानी फ्लोयम, दोनों यह बात याद रखेंगे, हिंदी भी और अंग्रेजी भी, फ्लोयम और जाइलम, ये जो दो जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं प्लांट में पाए जाने वाले, प्लांट के जो दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जिसे फ्लोयम और जाइलम कहा जाता है। फ्लोयम को हिंदी में पोषवाह कहा जाता है, जाइलम ध्यान देंगे तो जाइलम का काम होता है जड़ों से जल को अवशोषित करके और उसे पौधे के पत्ती तक पहुंचाने का काम जो करता है वो जाइलम नामक कॉम्प्लेक्स टिश्यू पौधे में करता है, जबकि फ्लोयम जो होता है बने हुए भोजन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो भोजन पक जाता है उसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोयम करता है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2, फ्लोयम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन करना बिल्कुल सही है, पोमोलॉजी फलों की खेती करना बिल्कुल सही है, जेरोंटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करना यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? इसमें टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण बिल्कुल सही है, सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण बिल्कुल सही है, लाल मिर्ची का लाल होने का कारण कैप्सेमिन होता है बिल्कुल सही है, पपीते का पीला रंग जो होता है वो सोलेनिन के कारण नहीं होता है, सोलेनिन के कारण आलू का हरा रंग हो जाता है, जबकि पपीते का पीला रंग जो होता है वो अगर ध्यान देते हैं तो कैरिकोजैंथिन के कारण यह संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग होता है, आंख में होने वाली बीमारी होती है, यह किसके द्वारा हो जाता है? तो ट्रैकोमा जीवाणु के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग होता है, समझेंगे, जिसे डीप सिटी का कुटनी है। जीवाणु के द्वारा होने वाला, मानव में ह्यूमन बॉडी में जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग जो होता है बैक्टीरियल डिजीज जो होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसे हम कहते हैं डीप सिटी का कुटनी है, का कुटनी है। डी से डिप्थेरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटेनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया और है से हैजा नामक रोग हो जाता है। ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, जबकि एडे पोचे छो खटरा हीम हरे जो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है, वायरल डिजीज के अंतर्गत शामिल होता है
एडे पोइचे छोग खटरा हीम हरे। ये वायरल डिजीज ह्यूमन बॉडी में होता है। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट्र से ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा जो होता है आंख की बीमारी, ये जीवाणु से नहीं होके, ध्यान रखेंगे, ये विषाणु के द्वारा होने वाला एक प्रकार का आंखों की एक बीमारी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो विषाणुओं की एक विशेषता कौन सी इसमें से नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी कभी भी विषाणु में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही विशेषता नहीं पाया जाता है विषाणुओं में। तो विषाणुओं की विशेषता क्या होती है? डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, या तो डीएनए होगा या आरएनए की मौजूदगी होगा। दूसरा, परोपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होगा, ये भी बात सही है, जबकि परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होगा, यानी दूसरे से पोषित कोशिका जो होगा उसके भीतर विषाणु जो है वो प्रजनन कर सकता है, ये विशेषता विषाणु में पाई जाती है। जबकि सी में कहता है स्वभान में पूरी तरह परजीवी होता है, यानी इसका स्वभाव नहीं, स्वभाव, स्वभाव जो होता है वो पूरी तरीका से परजीवी होता है, दूसरे जीवों पर यह डिपेंड होता है, चाहे तो वह मृत हो और चाहे तो वह सजीव हो, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं विषाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका का आकार, माप, विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सभी शरीर उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये आपका सही नहीं होगा, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। अब ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिकोल्स। कॉर्टिकोल्स जो होते हैं वो पेड़ों की छालों पर जो लाइकेन उगता है उसे कहा जाता है। पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन होता है जिसे कॉर्टिकोल्स के नाम से जाना जाता है। खूब बार ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत कहां से होता है? टाइलिन नामक एंजाइम और म्यूसिन नामक एंजाइम जो होती है वो लार ग्रंथि से होती है। हमारे माउथ कैविटी में तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जिससे दो प्रकार का एंजाइम का स्राव होता है। एक होता है टाइलिन, जिसका काम होता है मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है। ये टाइलिन जो होता है वो मंड जो होता है यानी स्टार्च को शर्करा यानी माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है टाइलिन। जबकि दूसरा होता है लाइसोजाइम, यह एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को बाहर में ही माउथ कैविटी में ही नष्ट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण वह रंगीन दिखाई देती है। थोड़ा सा समझेंगे प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी भी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनकी अध्यारोपण के कारण किसी एक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और किसी एक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कम जाती है। अब जब प्रकाश की तीव्रता जब अधिकतम हो जाती है तो इसे समपोषी व्यतिकरण के नाम से जाना जाता है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तो समपोषी व्यतिकरण, जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि जब प्रकाश की तीव्रता एक बिंदु पर मिलने के बाद कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो इसे विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर। जो पतली रंगीन होने का कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर से निम्न राशियों में से कौन सी नहीं बदलती है? ट्रांसफॉर्मर से कौन नहीं बदलती है? तो आवृत्ति जो होती है वो कभी भी ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से नहीं बदलती है। ध्यान देंगे, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वह एसी परिपथों में वोल्टेज को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। उच्च एसी को निम्न एसी में और निम्न एसी को उच्च एसी में बदलने का काम करता है। इस आधार पर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है
स्ट्रेप अप ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जबकि दूसरा होता है स्ट्रेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर। स्ट्रेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, नाम ही से स्पष्ट है, अप यानी एसी को निम्न एसी को ऊंचे एसी में बदलेगा, जबकि स्ट्रेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होता है निम्न ऊंचे एसी को निम्न एसी में बदलने का काम करता है। क्लियर। और ध्यान देंगे, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही में होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया था, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्स प्लांक जो थे वो जर्मनी के विद्वान थे, जबकि डी ब्रोगली जो थे वह फ्रांस के विद्वान थे। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने तरंग यांत्रिकी सिद्धांत दिया था, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डी ब्रोगली ने दिया था। जबकि मोस्ले के बारे में देखेंगे तो यह ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे मोस्ले, और इनका संबंध आधुनिक आवर्त सारणी के नियम से था, आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जबकि हेनरी बैक्वरेल जो थे वो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, इन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज जो है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ हमेशा एक से हमेशा कम होता है, तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक में। अब तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक की पहचान कैसे, जिसमें आयास आलंब और भार के बीच में आ जाए उसे तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम ही होता है, इसे तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो किसान का हल हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, वंशी हो गया, चाकू एवं झाड़ू, ये सभी तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें आयास बीच में होता है और आलंब और आभास एक दो किनारे पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्लियर। जड़त्व यानी इनर्सिया जो होता है वो वस्तु का आंतरिक गुण होता है, जिसके कारण से वस्तु अपनी विरामावस्था में या सरल रेखा में गतिमान अवस्था में बना हुआ रहता है या बना रहने की चेष्टा करता है। इसका मात्रक और बीमा किसी भी प्रकार का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करना है, जिसके प्रतिघात का वेग इतना है, मीटर पर सेकेंड है, तो संवेग यानी पी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एम इंटू वी। अब एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब द्रव्यमान यानी मास होता है, वी यानी वेलोसिटी होता है। अब ध्यान देंगे, मास दिया हुआ है आपका 400 किलोग्राम, जबकि प्रतिघात वेग जो है वो 0.25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपका आंसर जो आएगा वह 100 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल जो होता है वो बराबर महसूस होता है। क्यों बराबर महसूस होता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम के फलस्वरूप ऐसा होता है, इस नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर हो जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम में कहा गया है, और क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में दो वस्तु पर आरोपित होना चाहिए, विपरीत दिशा में, एक उधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, एक ही समान दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया और क्रिया का जो परिणाम होता है वो बराबर होता है। नेक्स्ट, तो यहां पर कह रहा है वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला जो बल होगा वो बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है,
तो वो जारी किया गया है UNFPA ऑप्शन नंबर डी के द्वारा इसे लागू किया गया, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। इसका पूरा रूप होता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज UNFPA द्वारा जारी किया गया है। अब इसका मुख्यालय की अगर यदि जो बात किया जाए तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही है। अब ध्यान देंगे, लीची एवं मखाना के उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। इसी रिपोर्ट के अनुसार लीची प्लस मखाना के उत्पादन में पहला स्थान पर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। 6 विश्व कप में भाग ली है, 2000 में, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अब यह भी ध्यान रखेंगे, CBDT का मुख्यालय कहां स्थित है? तो CBDT का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है विश्व में विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से। अब ध्यान दिया जाए, पहले स्थान पर कौन सा है? तो फर्स्ट स्थान पर जो है वो अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो वह चीन दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर अपना भारत है जो कि तीसरे स्थान पर विद्युत के उत्पादन में है। 2021 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो तापीय विद्युत के उत्सर्जन में भारत 61.5% तापीय विद्युत के क्षेत्र में 61.5% जो है वो उत्पादन करता है तापीय विद्युत के रूप में भारत। जबकि जल विद्युत के आधार पर अगर देखा जाए, जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का देखा जाए कितना प्रतिशत, तो 12.2% उत्पादन करता है। जबकि नाभिकीय विद्युत के उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत 1.8% विद्युत का उत्पादन करता है, जबकि नवीकरणीय विद्युत का भाग जो है, नवीकरणीय विद्युत का मतलब क्या हुआ? सौर ऊर्जा उत्पादन, जिसका नवीनीकरण हम कर सकते हैं। तो नवीकरणीय विद्युत के उत्पादन में भारत का परसेंटेज के दृष्टिकोण से कुल विद्युत उत्पादन का 24.5%, 24% उत्पादन नवीकरणीय विद्युत के द्वारा भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? चिनाब नदी पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है, जो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अब ध्यान दिया जाए, इसकी ऊंचाई भी याद रखेंगे तो 467 मीटर यह ऊंचा होगा। क्लियर, जो नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ऊंचाई की ओर ध्यान देंगे तो 467 मीटर ऊंचा है जो नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। दोनों ही आंकड़ा याद रखेंगे, एक तो इसकी ऊंचाई, इस पुल की ऊंचाई 467 मीटर है और नदी तल से ऊंचाई पूछेगा तो 559 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान की शुरुआत किया है। इसके तहत क्या कहा गया है कि स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए एक जिला एक शिल्प नामक अभियान की शुरुआत की गई है? एक जिला एक उत्पाद नामक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद
एक जिला एक उत्पाद जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया या चालू किया गया यह अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर पहला देश बना है जिसने हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया। खूब क्वेश्चन है, यह ध्यान रखेंगे इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है और ध्यान रखेंगे वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात क्या रहा है? ध्यान देंगे लिंगानुपात जो रहा है वो 918 रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही है, जबकि ध्यान दिया जाए भारत का लिंगानुपात की ओर अगर ध्यान देंगे तो 943 रहा है। भारत का लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एच जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे इन्हीं की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था इसी होमी जहांगीर भाभा की अगुवाई में यानी अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशाला 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण किया था जयसिंह ने। कहां कहां किया था? दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में। ध्यान रखेंगे दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन तथा वाराणसी में। वाराणसी में ये 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण पूरे भारत में सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि इनमें से कहां जंतर मंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये 50 नंबर का सीरीज जो 62 नंबर सीरीज है इसको आप रिवीजन करेंगे। आशा है कि निश्चित तौर पर आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर ऐसा लगता है कि अच्छा है वीडियो और अच्छा यूजफुल है आगे एग्जाम के लिए और स्टूडेंट्स के लिए तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।